गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ। दोस्तों, आज 13 दिसंबर है और आज की करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आपके आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए आज की करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति ऐप महिलाओं के लिए किस राज्य ने शुरू की? दोस्तों, पूछा है इंदिरा शक्ति ऐप महिलाओं के लिए किस राज्य ने शुरू की, तो वो शुरू की है दोस्तों बिहार राज्य ने। ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इंदिरा ऐप महिलाओं के लिए शुरू की है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के दोस्तों वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। और वर्तमान राज्यपाल की बात करें बिहार के, तो वो हैं लालजी टंडन। याद रखिएगा, लालजी टंडन वर्तमान जो हैं राज्यपाल हैं बिहार के। ठीक है, चलिए अगला ये देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोस्तों योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं राम नाईक। राज्यपाल कौन है? राम नाईक। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए, पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? तो वो है केसरी नाथ त्रिपाठी। वर्तमान बंगाल के वर्तमान राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक के वर्तमान जो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं वो हैं एच डी कुमार स्वामी और राज्यपाल कौन है? तो बाजू भाई वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शख्स ने मिस्टर सुपर नेशनल 2018 खिताब जीता? पूछा है किस भारतीय शख्स ने मिस्टर सुपर नेशनल 2018 खिताब जीता? तो वो जीता है प्रथमेश मौलिंगकर ने। ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रथमेश मौलिंगकर ने पोलैंड में हुए मिस्टर सुपर नेशनल 2018 का जो खिताब है वो जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है मिस्टर सुपर नेशनल खिताब का? तो ये हुआ है पोलैंड में। कहाँ पे? पोलैंड में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी निर्मित अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम सीमा क्या है? पूछा है स्वदेशी निर्मित अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम सीमा क्या है, यानी इसकी मारक क्षमता क्या है, कितने दूर तक मार कर सकती है? तो वो कर सकती है दोस्तों 5000 किलोमीटर तक। 5000 किलोमीटर तक जो है अग्नि 5 मिसाइल मार कर सकती है और इसका सफल परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सुपर नेशनल अवार्ड 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और किसे मिला है मिस्टर सुपर नेशनल 2018 का अवार्ड? तो मिला है दोस्तों प्रथमेश मौलिंगकर को। मैंने आपको ऊपर इसका बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के राज्य मार्गों की हालत सुधारने के लिए एशियाई बैंक से 200 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया? पूछा है केंद्र सरकार ने किस राज्य के राज्य मार्गों यानी एनएच नेशनल हाईवे को सुधारने के लिए किस राज्य की सर केंद्र ने किस राज्य के सरकार के नेशनल हाईवे को सुधारने के लिए एशियाई बैंक से 200 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया है? तो वो लिया है बिहार राज्य के राजमार्गों को सुधारने के लिए। ऑप्शन डी राइट है। आपको बता दें कि बिहार में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और इन उन्हीं को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एशियाई बैंक से 200 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर जलनिधि योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? पूछा है सौर जलनिधि योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है
ओडिशा में। ऑप्शन ए राइट है। आपको बता दें कि ओडिशा में दोस्तों सौर जल निधि योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो है कौन? नवीन पटनायक। और वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ओडिशा में और क्या है दोस्तों? ओडिशा में चिल्का झील है। बहुत बार पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो वो है दोस्तों ओडिशा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में। सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य, ये भी ओडिशा में। ये सब बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल पे तो आप क्लिक कर ही लीजिए, मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर सबसे पहले मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसने तैयार किया? शक्ति नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। मद्रास, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने शक्ति नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया है और इसका नाम क्या रखा है? शक्ति। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत चीन समेत कितने देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट दी है? पूछा है अमेरिका ने भारत चीन समेत कितने देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट दी है? तो वो दी है दोस्तों 8 देशों को। ऑप्शन बी राइट है। अमेरिका ने 8 देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? पूछा है T20 के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं दोस्तों हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन ए राइट है। भारतीय क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर T20 के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल मार्ग किस नदी पर प्रारंभ हुआ? पूछा है भारत का पहला जल मार्ग किस नदी पर प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ है दोस्तों गंगा नदी पे। ऑप्शन बी राइट है। आपको बता दें कि वाराणसी से कोलकाता तक भारत का पहला जल मार्ग प्रारंभ हुआ है और पहला कंटेनर कोलकाता से वाराणसी ले लाकर इसका सफल परीक्षण किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम के किस खंड के तहत केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित के मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश देने का अधिकार है? पूछा है कि आरबीआई अधिनियम के किस खंड के तहत केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित के मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश देने का अधिकार है? तो वो है दोस्तों धारा 7। धारा 7 के अंतर्गत ही केंद्र सरकार सार्वजनिक मामलों पर आरबीआई को दिशा निर्देश देती है और इन्हीं विवादों से परेशान होकर उर्जित पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला दे दिया है। ये बताया है कि निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन असली वजह ये धारा 7 ही है जिससे मोदी जी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद आरबीआई को बार बार दिशा निर्देश दे रही थी और इसी खींचतान से ऊब कर उर्जित पटेल ने आरबीआई के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। और नए गवर्नर कौन बने हैं ये भी जान लीजिए, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। यही नए गवर्नर बने हैं, शक्तिकांत दास ये नए गवर्नर बने हैं आरबीआई के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 2018 में जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्र सरकार का योगदान कितना होगा, जो दिसंबर 2018 में अधिसूचना जारी हुई है दोस्तों, उसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्र सरकार का कितना योगदान होगा, तो 14% केंद्र का योगदान होगा और बाकी राज्य का होगा। तो 14% राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्र का योगदान रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूछा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है अरुंधति भट्टाचार्य को। ऑप्शन ए राइट है। आपको बता दें कि SBI की पूर्व अध्यक्षा अरुंधति भट्टाचार्य को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के किस उद्देश्य के लिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट का उपयोग करती है, यानी इसका फुल फॉर्म है स्विफ्ट का, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ये करती है दोस्तों मैसेजिंग नेटवर्क का। इसका उद्देश्य जो है वो मैसेजिंग नेटवर्क से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए कल का सवाल देखते हैं, जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, तो कल का सवाल का आंसर देख लेते हैं। कल के सवाल का आंसर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास AVA इंदिरा 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो वो किया गया दोस्तों रूस के साथ। ऑप्शन सी राइट है। रूस के साथ AVA इंदिरा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए आज का सवाल भी देखते हैं आपके लिए। आज का सवाल भी मैंने रखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपने अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसका आंसर आपको ऊपर बताया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे अभी एक गोल बटन आएगा आपके सामने, उस गोल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और मॉर्निंग में मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, तो मॉर्निंग में आप 10 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो को देखा करिए, ताकि आपकी पर डे करंट अफेयर तैयार होती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों मैंने UP स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है UP स्पेशल के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर UP स्पेशल का वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आने वाली परीक्षाओं के लिए। और आप दोस्तों यहाँ पे जो बटन आएगा आपको वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को, जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन पे दोस्तों घंटी के निशान पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मॉर्निंग में सबसे पहले आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।